हेलो एवरीवन, तो इस मिस्टर स्पाइक गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन बीजीएमआई विद 2.12 सीआर प्राइस पूल इज हियर, स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0। इससे पहले स्काई स्पोर्ट्स का 3.0 हुआ था, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट्स ऑफ ऑल टाइम। जो जीता था गॉड लाइक स्पोर्ट्स। तुम लोग को याद होगा पहली बार सचिन तेंदुलकर एज ए चीफ गेस्ट आके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सबको याद होगा वो टूर्नामेंट। यार कौन ही भूल सकता है। आई एम प्रीटी श्योर स्काई स्पोर्ट्स 5.0 इज गोइंग टू बी इवन मोर मेमोरेबल, एंड मुझे नहीं पता इस बार कौन आएगा चीफ गेस्ट में। मे बी विराट कोहली, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। टोटल 24 टीम्स कम्पीट करेंगे सेमीफाइनल्स में, एंड सिर्फ 12 टीम्स आगे जा पाएंगी फाइनल्स में, एंड 5 टीम्स डायरेक्ट इन्वाइटेड है फाइनल्स के लिए। वो 5 टीम्स रिवील करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ तुम लोग को, ग्रुप ए बी सी में कौन कौन खेलने वाले। ग्रुप ए में खेलने वाले हैं सोल ई स्पोर्ट्स, ऑरेंज रॉक ई स्पोर्ट्स, मार्कोस गेमिंग, टीम ऑटोबॉट्स, रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, मेडल ई स्पोर्ट्स, टीम तमिलास, WSB गेमिंग। एंड ग्रुप बी में खेलने वाले हैं गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स, रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स, इनसेन ई स्पोर्ट्स, ओबे ई स्पोर्ट्स, मिडवेव ई स्पोर्ट्स, टीम ग्लैडिएटर्स, टीम इन्फिनिटी एंड टीम एम्पायर। एंड ग्रुप सी में खेलने वाले हैं ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स। बाय द वे, ब्लाइंड में एस्पावर का एडिशन हुआ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम बिग एंड इनसेन प्लेस फ्रॉम देम, क्योंकि एस्पावर का एडिशन के साथ अलग ही बन जाता है ब्लाइंड। तो लेट्स सी, ब्लाइंड के साथ और खेलने वाले हैं बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, गॉड्स रेन, टीम एक्सपार्क, टीम न्यूमैन, एंटिटी, ओरंगटॉन गेमिंग एंड सेल्सियस ई स्पोर्ट्स। जो 5 टीम्स जो ऑलरेडी फाइनल्स में डायरेक्टली इन्वाइटेड है, जो है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स, बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, सोल, ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स एंड ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स। क्यों एग्जैक्टली ये 5 टीम फाइनल्स के लिए इन्वाइटेड है? कि गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स विनर था स्काई स्पोर्ट्स 3.0 के लिए, तो वो डायरेक्ट इन्वाइट आया था उनको फाइनल्स के लिए। एंड बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स वर द चैंपियंस ऑफ स्काई स्पोर्ट्स स्क्रिमिश सीरीज 2023, एंड सोल ई स्पोर्ट्स एंड ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स वर द टॉप 2 टीम्स इन स्काई स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज, एंड ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स आर द विनर्स ऑफ BGIS 2023। इसलिए इस 5 टीम्स को फाइनल्स में डायरेक्टली इनवाइट दिया गया है। ये सेमीफाइनल्स 5 दिन होने वाला है पूरा, 17 से लेके 21 तक, एंड उसके बाद द ग्रैंड फाइनल्स एक लैन होने वाला है कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में बेंगलुरु, जो कि होने वाला है नवंबर 1 से नवंबर 5 तक। तो भाई बहुत खतरनाक इवेंट है, बहुत कुछ होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड, आई होप यू गाइस आर टू। तो ये अपना सीरीज का पहला वीडियो है, तो भाई प्यार दिखाओ तुम लोग को अगर कंटिन्यूस वीडियोस चाहिए तो। अपना लाइक गोल रखती 25K लाइक्स का। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब देखते हैं अपना पहला मैच ऑफ द डे, जो होने वाला है इरान गैलैंड। इस मैच में होने वाला है सोल वर्सेस गॉड लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अरे भाई साहब, ग्लैडिएटर्स आगे बूम बम कर रहे क्या? टीटी वर्सेस सीडीआर दिखाना चाहेंगे मैटियोपी। ओहो, शोगन भाई गाड़ी उड़ा के जाना चाहते थे, जस्टिन को किया गया है नॉकआउट। मिस्टर आईजीएल की ये ऑफ आ गया, शोगन आ गया, शोगन आ गया, टीटीस के लिए पड़ रहा है काफी। अरे रे 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 रे, बहुत से ग्रेनेड पे, बहुत से ग्रेनेड, फिनिश इंस्टेंट। एमजे का ये बहुत भारी पड़ गया, और अरे रे 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 रे, शोगन तो पीछे ही पड़ गया शॉटगन लेके। क्या रेंज में मारा उसने एस्टिवल के। बाय द वे, आई थिंक ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स आर प्लेइंग 3 मैन। हाँ, किया जाएगा, पता नहीं क्या हुआ। डेल्टा पिछले इंसेन स्पोर्ट्स, चल गॉड लाइक जॉनी चल, लेकिन शैडो, शैडो ने एक नॉक किया यार, पीछे से आएंगे, स्किप्स को करेंगे नॉकआउट, लेकिन लास्ट लॉक में फिर से बेहतरीन कवर, जोनाथन के ऊपर और भी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ, रोजेस पे जा रहे 4 गोलियां रहेगी। अरे बहुत सही ग्रेनेड पे, बहुत सही ग्रेनेड, मां कसम, मैं तो देखा ही नहीं ग्रेनेड क्या बोल के उसने, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। जॉनी विद 3 फिनिशेस ऑलरेडी, एक नेड मास्टर, गॉडल बाहर, फाइनली आके आधी सफाया करेंगे, और यहां देखिए एक थर्ड पार्टी आता हुआ, इंस्टेंटली इंसेन भी हो जाएगी बाहर। ब्रो बस टाइमिंग का खेल खेला, ब्रो द कॉम्पिटिशन इज इन, गॉडल बाहर, इनसेन बाहर, मिडवेव आके पूरा ले लिया वो जोन। मीनवाइल सोल वर्सेस कौन सा टीम है, आई थिंक दिस इज XVLT पंक का टीम। मिडवेव लुकिंग सुपर स्ट्रॉन्ग इन दिस मैच, बट ओनली 2 मैन, 9 फिनिशेस ऑलरेडी। वो टीम सोल के खिलाड़ियों सोल अभी भी सर्वाइव कर रहा है, टॉप 5 आ गया, लेकिन नॉकआउट उनको 4 मैन स्ट्रांग है सोल। हेक्टर विद 3 सोलो फिनिशेस ऑलरेडी, एकदम खिलाड़ी तैयार। भाई अमित कोच खेल रहा है क्या, कि अमित कैडी से कोई और खेल रहा है, वो एकदम बंजे हुए खिलाड़ी है ये। नाइस वन रे, नाइस वन, नाइस नॉकआउट निकालने की पूरी कोशिश की, आतंकी की एक और बुलेट लग जाता तो आई थिंक सोल निकाल लेगा ये मैच।
आई फील लाइक सोल एंड गेम में बहुत रेयरली चोक करता है एंड दे आर फोर मैन स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड गेट दिस मैच राइट दे शुड विन दिस मैच जो बीजेएस में हुआ वो देखने के बाद तो भाई सोल फुल प्रिपेयर होके आगे होगी इस लॉबी को कितना ज्यादा परेशानी में डाल रहे सोल का चिकन यार कोई रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता आपको बट जोन थोड़ा सा बीटी लग रहा है मेरे को बट दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग और मिडवे फुल्ली केवल है 2v4 करने के लिए बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी व्हाट विल मिडवे डू व्हाट विल मिडवे डू अरे अरे चल दिया ओमेगा तो पूरा पूरा सलमान खान का मूवीज देख के आया अमित भाई शायद से मिडवे के लिए मुश्किलें रहेंगी बाहर हो गया बाहर हो गया बट सोल का दो बंदे रॉक सोल का दो बंदे रॉक कर देंगे एक और खिलाड़ी आखिरी बंदा कहां है आखिरी बंदा कहां है कोई तो हील बैटल कर रहा है भाई जीत भी चुके हैं हील बैटल कौन कर रहा है चिकन डिनर भी आ चुका है #2 पे मिस्टर आईजीएल चल रहे टीम अरे भाई इतिहास भी गवाया जब भी टीम सोल के चार खिलाड़ी फाइनल सर्कल्स में जाते हैं तो चिकन डिनर तो अनिवार्य है यस 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 पर टीम कबिलास मिस्टर चार बंदे सोल लास्ट सर्कल में बहुत एक पॉइंट देख के खेलते वो मिड गेम के दौरान ही ग्लैडिएटर्स का पुश आया था वहां पे इनके तीन खिलाड़ी यहां पे सो द फर्स्ट मैच ऑफ द डे गोज टू टीम सोल तो सोल इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टुडे लुक्स लाइक अब बढ़ते हैं अपना मैच 2 की तरफ तो अपना मैच 2 होने वाला है ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप सी आर्यन उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बट टीम रेकनिंग के पास अभी भी एक बहुत अरे भाई साहब देखने को मिल रहा है टीम एक्सपार्क अभी भी जूझते हुए मार्कोस गेमिंग वो क्लोजिंग मार्कोस गेमिंग सोल भी पास में ही है शॉटगन के साथ रेकनिंग गेमिंग में पास ओए ओहो नाइस कनेक्शन ने अपने आप को हील भी नहीं किया था कुछ प्रेडिक्टिव जो शॉट अरे भाई साहब नजर आएंगे टीम एक पास उनके लिए पुश के लिए रे गॉड भाई क्या काफिया हुआ आप बचते हैं आखिरी कार बट नॉट फॉल 1v3 मार दिया भाई पांच किल स्प्रे गॉड एंड मार्कोस गेमिंग के 1v3 मार दिया उसने स्प्रे गॉड टीम एक्सपर के लिए एक नाइटमेयर बनते हुए पांच फिनिशर उनके खाते में पूरे लहमे गॉड और अपने आप को क्लीन कर रहे हैं ताली तो बनता है भाई क्या क्या खेला उसने क्या कॉन्फिडेंस के साथ खेला उसने भारी भरकम मजा आ गया देख के प्लेयर वहाँ पे काफी ज्यादा लो एचपी पे भी आए और देखिए पुश भी वुमेन का उनके तरफ हमें देखने को मिल रहा है अभी लीडिंग द चार्ज किल का ये ग्रेनेड रॉनी ब्लाइंड वर्सेस वुमेन नकुल और एस पावर ये दो खिलाड़ी बचे ओए नकुल नॉक भारी भरकम वार और उसी के साथ खतरनाक मार दिया अभी ने तो अभी गुस्से में लग रहा है फाइव फिनिशेस ऑलरेडी फॉर न्यूमैन एस पावर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग व्हाट विल एस पावर डू बॉस है ना बॉस है ना पीछे से भी गोली पड़ रहे थे एस पावर को बट गुड नो गुड नो न्यूमैन लुकिंग स्ट्रॉन्ग छह फिनिशेस ऑलरेडी वेयर इज गॉड लाइक आई थिंक ग्रुप बी में है ना गॉड लाइक नहीं है इस वाला मैच में बट ऐसे में आप सोल स्टिल सर्वाइविंग नीचे वाला क्लस्टर मेरे को बहुत दिक्कत लग रही है पोजीशनिंग उनकी भी काफी ज्यादा बेहतर मीनवाइल स्प्रे गॉड तो भाई रुक ही नहीं रहा है छह सोलो फिनिशेस टीम में कोई नहीं निकाल रहा सिर्फ स्प्रे गॉड मारी जा रहा है मारी जा रहा है मारी जा रहा है ओरे गुस्सा निकाल रहे हैं यहां पे स्प्रे गॉड बट फिलहाल के लिए हार्ड लग स्प्रे गॉड हार्ड लग एडवांटेज तो उनको मिलने वाला है ह्यूमन के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं फाइनल सर्कल में गॉड ट्रेन सोल उन्होंने स्पॉट किया है निंजा जो ओजी ले जाएगा डैमेज दिया भाई निंजा द लास्ट में स्टैंडिंग चाहिए था बट अब एक गोली मौजूद है निंजा जॉर्ज एक गोली अपने आप को वो ह्यूमन करते हुए नजर आएंगे बट ऐसे में टीम सोल के पास बहुत बढ़िया पोजीशनिंग ओमेगा नहीं खेल रहा इस मैच में सर्कल भी फेवर करेगा हेक्टर नियो गोब्लिन एंड अक्षत रैंबुटेन के पास एक बहुत बढ़िया पोजीशनिंग अरे भाई सोल डाउन किए जाएंगे ज़ैप जो हमेशा बोलते हैं सोल इज ट्राइंग समथिंग न्यू लास्ट मैच चिकन निकाले फिर भी दे आर ट्राइंग विद अ न्यू लाइनअप अगेन फाइनल बैटल है ये एक डिसाइडर न्यू लाइनअप नहीं रिप्लेसमेंट किए वो जीतेगी चिकन डिनर की प्रबल दावेदार वही टीम रहने ओए नाइस कनेक्शन एक बढ़िया चल गॉब्लिन चल इनके द्वारा एश को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा और अब वो ओपनिंग नॉक आ चुका है प्रेशर में टीम ओरैंगुटन है और वो जो पोशन है वो करने की आई थिंक निंजा जॉर्ड इज गोइंग फॉर द हील बैटल गॉब्लिन तैयार एकेओपी क्या उनको टेक डाउन किया जाएगा जी नहीं इस बार उतना प्रिसाइज वो ग्रेनेड गया नहीं ह्यूमन का गिल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग की बात करें निंजा जॉर्ड किल दिया कि नहीं नहीं दिया लगता और बेहतर करने की कोशिश कर रहे उनको भी पता है कि उस इस सोल गोइंग टू गेट वन मोर चिकन पर कोई और टीम हो सकती है बैक टू बैक चिकन और व्हाट अभी कवर देने की जरूरत है बट अब एके के सामने गॉब्लिन को शॉट दिए गए डीपीएस का प्रहार करने की कोशिश चलिए वो रिलोड पे चले गए
AKOP को डाउन किया जाएगा एंड गॉब्लिन आई थिंक एंड इन फैक्ट एंग्री एप को भी उन्होंने स्पॉट आई थिंक बैक टू बैक चिकन होने वाला है सोल का पोजीशन के बारे में वाकिफ है और टीम सोल बहुत ही सही तरीके से अपने गेम्स अरे भाई साहब क्या मारा को भी खत्म क्या मारा पिक करके क्या मारा बैक टू बैक चिकन के बाद एक एंकी इन्होंने अलग ही रूप में दिख रहा है सोल आज अलग ही रूप में दिख रहा है ब्रो फर्स्ट टू मैचेस सोल चिकन डिनर नाउ आई थिंक इट्स गॉड लाइक टाइम टू कम बैक और सम अदर टीम जो आके बताए कि भाई हम भी है लॉबी में अब बढ़ते हैं अपना मैच 3 की तरफ फिर से गॉडलाइक वर्सेस सोल वाला मैच है ये बट भाई सैनहॉक मतलब तुम लोग को पता ही है कुछ भी हो सकता है कहीं से भी गोली पड़ेगी जोन किसके पास भी जा सकता है चलियो चल नाइस वन अपनी टीम को चिकन डिनर दिला करके जाने वाले हैं गोडले का और एक मैच नॉट वेरी गुड उतना खास नहीं गए अभी चलो भाई तीसरा मैच गया WSB को अब बढ़ते हैं अपना मैच 4 की तरफ जो होने वाला है वीकेंडी चार बंदे दिख रहे हैं मीनवाइल गॉड्स रेन वर्सेस मेडल मेडल बाहर गॉड्स रेन सारे रह जाएंगे अरे भाई आ गया मार्कोस गेमिंग आ गया फाइट लेने और निंजा जोड़ नॉक भाई स्प्रे गॉड है ना रुक नहीं रहा भाई ट्रैगर है भाई ये बंदा बता रहा हूं मैं बाय द वे दिस इज वन ऑफ द एमवीपी कंटेंडर है ये अनफॉर्चुनेटली मार्कोस गेम बीजीएस में फाइनल्स में नहीं आ पाया बट बहुत सही खेलता है स्प्रे गॉड स्प्रे गॉड गॉड्स ब्लेज को भी नॉक कर दिया ओए रॉबिन ने दो बंदे नॉक किया 2v2 पे कन्वर्ट हो गया है बट रेफ दे रहा है अलादीन भी आ चुके हैं रेफ दे रहा है खत्म किया जाए खिलाड़ी को नाइस कनेक्शन फिनिश एक और खिलाड़ी खत्म किया जाएगा एक और को और एक्विनॉक्स विद अ 1 वर्सेस 3 1 वर्सेस 4 No, not a one versus four. Castar, yaar. That was not a one versus four. Robin ने दो बंदे नॉक किया एंड Aquanox से दो बंदे नॉक किया Robin फिनिश हो गया एंड वेल प्लेड रहा Aquanox. मतलब दो बैक टू बैक स्क्वाड वाइप्स किया गॉड्स रेन phenomenal. ले फिर से हो गया ले हो गया सोल वर्सेस सेल्सियस नाइस नॉक हेक्टर नॉक फिनिश हो गया ऑलरेडी मार दिया भाई क्या चल रहा है भाई ऑटोबॉट्स एंटिटी फीलिंग आ रहा है कि ब्लाइंड का मैच हो सकता है क्या डिफेंड कर पाएंगे ब्लाइंड क्या डिफेंड कर पाएंगे ऑटोबॉट्स एंटिटी इनसे डिफेंड करना पड़ेगा
और कौन है कंटेंडर्स? बनेगा हल्का, एक और फॉलो अप नेट रहेगा उसके साथ, एक और नेट टीम एक्सपार्क भी है। नॉकआउट मिलेगा फाइनली जाके एक्सपार्क के आदित्य। ओए एक्वानॉक्स नॉक फिनिश कर दिया, मान्या ने सारंग को नॉक किया, नाइस। जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे भाई, पूरा फाइट देखने को मिल रही है, टीम पूरा फ्लो में दिख रहा है मेरे को, ब्लाइंड ऑटोबॉट्स के ऊपर ग्रेनेड गैप ही नहीं दे रहे, गैप ही नहीं दे रहे, कितने सीमित होके खेल रहे। निंजा जॉर्ड आदित्य को नॉक किया, निंजा जॉर्ड सारंग को भी फिनिश किया, उन्हें थोड़ा सा रोका गया, बट फाइनली अभी जब मीनवाइल रोनी नॉक जब सर तो मुश्किलें हो सकती है। रेवो रहा इजी है, रेवो की इजी चली जाएगा जोन में। टीम एक्सपार्क बाहर आ सकती है, तो टीम लाइन लेने के देने पड़ सकते हैं, और देखिए स्मोक था ना फिर से विजिबल हुए थे, इसका फायदा थोड़ा सा दिख गया होगा इस गेम के अंदर, काफी प्रभावित किया है टू बी ऑनेस्ट। और इन सब के बीच में देखिए गॉसल के जो दो रिमेनिंग खिलाड़ी, भाई बता रहा हूं ना ये डिफेंस बहुत है इस पर, बहुत से खत्म हो चुके हैं, बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है ऑटोबॉट को बाहर करना, मैच से बाहर कर देंगे। आठ फिनिश, चलो सारे रेव हो गए, ब्लाइंड 8 किल ऑलरेडी एंड इट्स नाउ इट्स ओवर राइट। चलो खत्म है सीक्रेट बाहर एंड हैशटैग टू ओजी आखिरी खिलाड़ी एक ओपी बाहर हो गया, चारों खाने चित हो चुकी थी टीम ओरैंगुटान एंड मार्क। ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स बिल्कुल सीरियस नहीं खेल रहे क्योंकि उनको पता है वो ऑलरेडी फाइनल्स के लिए इनवाइटेड है, सेमीफाइनल्स में मचाना कोई सेंस नहीं बनता, जिसको मचाना है मचाने दो। ब्लाइंड फिर भी चिकन वगैरह निकाल रही हो, विद दैट अपना 4 मैचेस खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट 2 मैचेस सोल, थर्ड मैच WSB एंड फोर्थ मैच ब्लाइंड, 2 मोर मैचेस लेफ्ट, देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं फैन फेवरेट मैप इरांगल मैच 5 की तरफ, फाइट हो सकता है गॉडमैन वर्सेस, नाइस वन रेवेनम भाई, एक एम आयरन साइड मारना इट्स नॉट अ जोक भाई, एक्वानॉक्स बहुत मुश्किल बेमो को निकलने की कोशिश, लेकिन शायद वो गलती चल लेंगे, नाइस वन बट यार निंजा को अभी 1v मारना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। और एक-एक करके व्हीकल ब्लास्ट किया जा रहा है, प्लीज अगर वो यहां पर इस फाइट ओए होए 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 भाई कैसे मरते बचावे, अरे ब्लेज ने कुनो किया, ब्लेज ने गाड़ी से को पूछ ला, जॉर्ड हील करने की जरूरत रहने वाली है, बट ब्लेज 2v2 सिचुएशन है, पर निंजा हील भी नहीं किया अबे, और एक बंदा रॉक कर दिया, वहां पे एक और खिलाड़ी को डाउन किया, फ्यूरी का फिनिश सिक्योर किया जाएगा, देखते ही देखते 1v3 फ्रॉम निंजा विद लिटरली 10 HP, 10 भी नहीं 5 HP, 1v3 करके गया, एंड उसके टीममेट्स बाकी 2 भी रेव हो जाएंगे, बाप रे बाप। अभी पहले एक नॉक निकला, फिर उनके ऊपर इतना भाई ऊपर से ब्लाइंड आ रहा है, हाथ चल रही है, दूसरा भी नॉक निकाल लिया, फिर से ब्लाइंड आ रहा है, वापस से थोड़ा आगे चले गए, बट इतना डिस्टेंस मेंटेन किया कि जब गाड़ी को फोड़ने की प्रक्रिया रोटेशन कर रहे होंगे, वहां से भी नहीं रोटेशन नहीं, उनको पता है क्या हो रहा है इधर, टीम ब्लाइंड ने भी दिए दस्तक स्प्रे, निंजा जॉर्ड नॉक रॉनी को, बता रहा ना भाई, बता रहा ना, द अवेयरनेस दैट ब्लाइंड हैज, अगर कोई दो टीम्स का फाइट हो रहा तो वो गेस कर देंगे कि भाई शायद इधर हो सकता है, ये रोटेट इधर से करते हैं, वो रोटेट इधर से करते हैं, तो शायद इधर हो सकता है, वो निकल जाएंगे गाड़ी लेके एंड पकड़ लिए, गॉड्स रन सडनली ऑन बैक फुट, कॉन्फिडेंस उनके पास वापस आ चुका है, ये बहुत बढ़िया, टाइमिंग इज एवरीथिंग ब्रो, बाय द वे एस पावर इज बैक, आगे ब्लेज और एक्वानॉक्स आगे, ऊपर से रोनी कवर दे रहा है और 3 बंदे पुश कर दिए, पहले करके गए, हालांकि कैन दे क्लच इट, कैन दे क्लच इट, डीबीएस का प्रहार, मान्या एक नॉक हुआ है, डाउन किया जाएगा, बट ब्लेज भी नॉक, एक्वानॉक्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद दैट, डाउन किया गया, विद दैट खिलाड़ी बचे हैं, एक ब्लाइंड वाइप्स गॉड ट्रेन, वो कॉन्फिडेंस वापस, विद एस पावर ब्लाइंड इज लाइक टू कॉन्फिडेंट इन क्लोज रेंज, टू कॉन्फिडेंट, ओए ओजी वर्सेस ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स, नाइस वन, एक नॉक के बाद जस्टिन ने उनका ट्रेड निकाला था, दो बंदे नॉक है ओजी के, 3 बंदे नॉक शोगन, क्या रिस्पॉन्स था वो, बट 1v1 है, और एक उतार दिया, 1v5, एक और टीम आई, एक और खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया, बस चलिए फाइनली शैट ब्रो और उनको फिनिश करेंगे, बट ग्लैडिएटर्स आर सैवेजेस बे, सैवेजेस, ये तो कुछ अलग ही, 3 मैन खेल रहे, एक स्क्वाड वाइप कर दी, दूसरा टीम का भी एक खा के गया भाई शोगन, अभी भी सर्कल के, चलो जोन में बढ़, जोन की तरफ बढ़ रहे, क्लच गॉड ले लिया जोन, वो हील बैटल करने के लिए, बट गॉड वो भी हील बैटल कर रहे हैं, जोनाथन एंड शैडो फर्स्ट गेम बे, भाई दूसरी तरफ क्लच गॉड उनकी भी एक चुनौती रहेगी, जॉनी नॉक ले जाएगा, डैमेज काफी ज्यादा दिया गया, अपोलो भी वहां पे डाउन किए, ब्रो सीधा क्लच गॉड पे आ जाते ना तो जोन मिल जाता इनको, और अभी के लिए
Revenant versus But I don't think अभी वो हो पाएगा ना। जोनाथन को फिनिश कर दिया बट एक ट्रेड से लिया, दो बंदे नॉक किया क्लच गॉड ने, दो बंदे नॉक, दो बंदे नॉक, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है क्लच गॉड की तरफ, पुश तो कर दिया आई गेस। क्या क्लच गॉड क्लच करने वाला है क्या? एंड एक अच्छा डिसीजन में भी हो सकता है अगर लास्ट मैन स्टैंडिंग होते हैं तो अपोलो के ऊपर। बट यहाँ पे देखिए भाई क्या सोया हुआ था, भाई क्या सोया हुआ था अपोलो भी, लाइक हेलो भाई कैसे हो, पुचक पुचक खत्म। बिग ब्रदर भाई कंसिस्टेंसी चल, बिग ब्रदर साइड तोड़ लिया है, एमवीपी चल। फिलहाल के लिए बिग ब्रदर्स के खिलाड़ी सर्कल के अंदर एंट्री कर रहे हैं सोमराज, इजी पीसी नॉक खिलाड़ी, एक लाजवाब स्प्रे साहिब भी जोन से गया। आर्यन के लिए भी काफी अड़चने, बहुत मुश्किल है बिग ब्रदर सर्वाइव करना उधर, ऊपर से भी टीम एम्पायर है ना बचे हैं यहां की ब्रो, उधर नेड नहीं जाएगा शायद लोटस में, करने की कोशिश जरूर रहने वाली है बट इस पर्टिकुलर भाई बिग ब्रदर्स का उजुमाकी कहां है, उनके पास पूरा चांस है चिकन डिनर निकालने का, जो सर्कल है वो उनकी झोली में आ चुका है, आ गया टीम एम्पायर, ये कि क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे, एम्पायर यहां पे आई जरूर है बट वहां ऑलरेडी एंटिटी के दो प्लेयर्स मौजूद है रिवाइवल। टीम एम्पायर से कौन खेल रहे तुम लोग देख रहे हो ना, दिस इज खराब प्रदर्शन जरूर से कहा जाएगा, हालांकि 8 फिनिशर्स, दिस इज एक्स आरई एम्पायर के पास और साथ ही साथ सर्कल वो भी उनको फेवर करता हुआ, कैनरी जादू एंड रॉकस्टर यहां पे आई थिंक आंकने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो खिलाड़ी हैं टीम एम्पायर के मौजूद का 2v 3v एम्पायर, ये तो काफी 4 है ओ एम्पायर, ये क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया आपने, अपने बिछाए जाल में फंस गए, अपने भी बाहर ही वो नॉकआउट हो चुके थे, सोमराज ने एक और फायदा यहां पे उठाया, भाई किस्मत ही खराब था भाई सोमराज का, वो नीचे नहीं जा पा रहा, ग्लिच हो गया उसका एक्सपोजर एंड ही इज बीन टेकन डाउन, भाई किस्मत हो तो सेंसी जैसा नॉक भी कर दिया, अपोलो नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया कैनरी भाई, टीम एम्पायर यहां पे थोड़ा निराश करते हुए क्योंकि ये पूरा रॉकस्टर एंड जादू, जादू जोन में है आगे चाहिए था बट अब उसके चांसेस थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जादू को मारना पड़ेगा रेवेनेंट को, देखना ये कि क्या वो अब यहां पे सरवाइव कर पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ टीम रेवेनेंट वो इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावे, एक नॉक फिनिश करते जादू ने अपोलो को, जादू भी नॉक, अभी तक टीम रेवेनेंट के पास था वो उनसे अब छीन चुका है, सोमराज का मौका अभी है, दिस इज द टाइम, दिस इज देयर मोमेंट, एंटिटी मिल रहा था रिक्यूपरेट, यू नो एग्जैक्टली सारे प्लेयर यहां पे धीरे धीरे कौन कौन बचे अभी, बॉय एचपी काफी ज्यादा नहीं है बट ऑसले अभी भी मेन फाइट तो आरएनटी के साथ बट रॉकस्टार इज जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, एग्जांपल नेवर गिव अप एटीट्यूड बट फियर उनके काफी करीब देखने को मिल जाएंगे, अरे भाई एकदम पियर्स तो हाइड एंड सीक खेल रहा है, हाइड एंड सीक खेल रहा है बट पकड़ा गया वो, पकड़ा गया वो, के पास अभी भी वो एक एडेड हाइट का एडवांटेज रहने वाला है, चल 1v1v2 है, आई थिंक रॉकस्टर है ना लेके जा सकता है ये वाला, यहां पे इज गोइंग फॉर द हिल बैटल, आ ये अभी है ना, अभी सेंसी है ना, एक को नॉक कर दिया और दूसरे को डैमेज दे भी देना तो रॉकस्टार लेके जा सकता है ये वाला, बट फाइनली सोमराज बाहर आए, सोमराज ओए नॉक कर दिया सेंसी ने, नॉक कर दिया, इनफैक्ट एक नॉक भी निकाल लिया, गमला बॉय फाइट लेने की कोशिश, फिनिश की, अरे भाई इनफैक्ट किल गया, किल गया करके नहीं जोन से गया, जोन से गया, जोन से गया, शिकार हुए गमला भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऊपर सेंसी को मार के तुरंत प्रोन हुआ ना, जो रिफ्लेक्स बहुत सेक्सी था, बहुत सेक्सी था, इफ नॉट फॉर दैट पक्का रॉकस्टार मार लेता उसको, बहुत सही है, बहुत सही। अब होने वाला है मैच 6 एंड भाई दिस इज द लास्ट मैच ऑफ द डे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कम बैक फ्रॉम गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स, देखते क्या होगा इस मैच में भाई, 4 टीम एक कंपाउंड के पास फाइट कर रही है भाई, बसड है ये, बसड होने वाली है, बुरा बसड, सबसे सबसे सेफ तो, अरे भाई साहब गॉडल वर्सेस एक्स वीएलटी वर्सेस गॉड ट्रेन, गॉड ट्रेन का दो ही बंदे बचे, ओए निंजा नॉक कर दिया, जी गॉड नॉक एंड फिनिश, फिनिश आएगा जरूर, अब देखना ये कि गॉड लाइक वर्सेस गॉड ट्रेन में द रियल गॉड कौन साबित होने वाला है, अभी तक अरे अबे टू मैन थे बे, टू मैन थे गॉड ट्रेन, शैडो ऐसा कैसे नॉक आ गया, वहां पे शैडो को डाउन किया गया बट ओए फायदा, वाओ थर्ड पार्टी करने आए, खुद थर्ड पार्टी हो रहे भाई, नॉक निकालने के बाद न्यूमैन का भी आ गया, गिल देखो गिल कहां से नॉक किया उसको, आराम से मिनी 14 लगाया न्यूमैन, गिल ने न्यूमैन क्लच गॉड को हेल्प किया क्या,
एंड ऑफ कोर्स इन्फिनिटी की तरफ से भी न्यूमैन को न्यूमैन के क्लच गॉड रे हो सकता है क्या क्लच गॉड को खर्च जाए भाई थर्ड पार्टी फेल्ड खत्म खत्म ऑन पॉइंट मोली भाई ऑन पॉइंट मोली भाई ये वाले काफी हार्ड है ब्रो टॉप 24 का ही काफी हार्ड लग रहा है मेरे को लॉबीज फाइनल्स में तो भाई सर्कल के अंदर जाना है तो फिर वापस फट जाएगा बता रहा हूं मैं लेनी पड़ेगी रेवरेंट का एक बहुत बड़ा स्प्लिट हमें देखने को ओए होए होए वो थोड़ा मुश्किल भरा भी हो सकता है बट टेंथ से आई एक्सपार्क ऑन बैक फुट दो ही बंदे बचे सारंग एंड पुकार सारंग भी नॉक किया बहुत लो सारंग नॉक अब सेंसे के कंधों पे नाउ पुकार इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड फ्रॉम रेवरेंट आल्सो सेंसी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद दैट रेवरेंट बाहर हो चुका है उनकी ये दहाड़ है टीम एक्सपार का पुकार आखिरी मैन स्टैंडिंग आदित्य को रिवाइवल भी दे सकते हैं अगर सही है अरे वो जाएगा आदित्य डिप्लॉय हो गया किसी का मौका मिल रहा है अरे भाई दो दो सोलो सर्वाइविंग कर रहे वेदर रॉकस्टार एंड सीक्रेट बट रॉकस्टार पकड़ा गया नॉकआउट निकाला है एक क्या वो खत्म कर पाएंगे उनको वही है सवाल डायनोसिस वो देखिए सीक्रेट क्या कर रहा है सीक्रेट क्या कर रहा है सीक्रेटली बेटा है पीछे वो मुझे के एकीओपी के द्वारा भी एक यूटिलिटी जरूर डाला गया लेकिन अभी भी सीक्रेट बचे हुए हैं और वो पीछे से ओजी की परेशानियां बहुत ज्यादा बैकअप 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 चाहिए डायनोसिस को फाइनली टॉर्च कर जाएंगे स्विंग कर जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ जिसके कारण वो अभी के लिए तो डायनोसिस के हाथ भाई सीक्रेट अगर आके पीछे से बीटी दिया ना हालांकि वहां पे हील करने के बहुत भारी पड़ने वाली है वो ओजी को एश अभी भी यहां पर मौजूद आईजीएल है अपनी टीम के और हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बेहतर वो जो गन पावर है अरे नॉक आ गया नॉक आ गया वो हील नहीं है स्किप स्टिल सर्वाइविंग बे इनसेन का स्किप स्टिल सर्वाइविंग व्हाट द हेल किया गया है इनसेन इनसेन बहुत सही बिकॉज़ दीस एप्स आर लुकिंग एंग्री राइट नाउ ओह दीस एप्स आर लुकिंग एंग्री राइट नाउ बात ही कि वो सर्कल के अंदर पहुंच अरे एंग्री एप को नॉक फिनिश कर दे क्या वो और आरू का टीम एंपायर का रॉकस्टार स्किप्स skips skips धीरे-धीरे हॉली-हॉली सर्कल में जाने की कोशिश कर रहे हैं विक्की को उन्होंने स्पॉट किया डैमेज टॉप 4 लेके आए ब्रो आप बहुत सही खेला आपने इनसेन स्किप्स किया जाएगा आईडिया लगा चुके हैं वेरी सीक्रेट सीक्रेट को मार दी क्या नहीं सीक्रेट भी सर्वे कर रहा है बस आधा भाई सीक्रेट हुआ है तो आधे बैंक में गिव सच अ बहुत बिग ट्रबल टू ओजी के बीच में बस इंतजार कर ब्रो 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 बना हुआ है आपको बस एक नॉकआउट निकालना है एंटिटी का फिर से चिकन डिनर आ सकता है बैक टू बैक चिकन डिनर एंटिटी निकाल इज इट अबाउट टू हैपन अभी फायर नहीं अगर एक स्प्रे में दो बंदे नॉक कर देना बहुत मजा आ जाएगा एक स्प्रे दो बंदे चल उनको मिनिमम दो नॉकआउट निकालने पड़ेंगे बेहतरीन स्प्रे ट्रांसफर की कोशिश लेकिन मिस गॉड सही टाइम पे प्रोन होकर रिटेलिएट किए विक्स की ऑलरेडी वो एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं अकेले बस सीक्रेट भाई क्या था वो एंड एज ये दोनों प्लेयर्स काफी उम्मीद था मेरे को फीलिंग्स नहीं है काफी उम्मीद था मेरे को खत्म और इसी बीच में कोई बात नहीं यहां से क्लच कर हम एक्सपेक्ट डैमेज ऑन द विक्स की यहां पे क्लच करके जा सकते हैं जी नहीं एश बचे हुए थे इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर ओजी तो फाइनली 6 मैचेस खत्म होने के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग्स आर ऑन योर स्क्रीन Orangutan Gaming at hashtag 1 with 55 points. Team Soul at hashtag 2 with 50 points. Midwave, Entity, WSB, God's Reign, Team Empire, Team Newman. I don't see Godlike in top 8. I also don't see GDR, obviously. Log 3-man kill rahe, kuch bhi kar rahe. On second page, we have Blind Esports, Marcos Gaming, Team Tamilas, Insane, Obey, Team Autobots. Bottom, kitna hai? 22 points hai, 16th ka. Page 3 dekhna padega. मतलब अभी कुछ पता नहीं चलेगा ना लंबा जाएगा सेमीफाइनल्स बट अभी से पॉइंट ज्यादा रखने से फायदा ही होगा टीम का टीम एक्सपार्क एट 17 उनका भी सेम पॉइंट है उतना दूर नहीं है वो द शॉकिंग थिंग फॉर मी इज गॉड लाइक एट हैशटैग 23 चार मैचेस में सिर्फ 10 पॉइंट निकाल पाए वो एंड ऑल्सो बिग ब्रदर का भी थोड़ा शॉकिंग लग रहा है मेरे को अभी टूर्नामेंट जीते ऑलमोस्ट सेकेंड हैशटैग 2 पता नहीं क्या चल रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम कमबैक टुमारो मे बी आई एम नॉट श्योर ग्लैडिएटर्स थ्री मैन खेल रहे बूमबाम कर रहे बहुत बढ़िया खेल रहे हो वो लोग सीरियस नहीं खेल रहे दिख रहा है मेरे को तो डे 2 में हमें पता चल जाएगा क्या कौन सीरियस है कौन नहीं डे 1 के मैचेस खत्म हो चुके हैं होप यू गाइस एंजॉयड अगर आपको डे 2 का हाईलाइट चाहिए ऐसे ही तो इस वीडियो पे 25 के लिस्ट कर दो एंड आई विल मेक दैट हैपन विद दैट बीइंग सेड मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो पे एंटिल देन पीस